नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक डिमांड किया हुआ क्वेश्चन है। एक बच्चे ने हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन है, ये एक रूम दिया हुआ है जिसका कि लेंथ 13 मीटर और ब्रेथ 9 मीटर है। इसके फ्लोर को कारपेट करना है, कारपेट से फ्लोर को ढकना है। कारपेट का ब्रेथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो कारपेटिंग करने का कॉस्ट क्या होगा एट द रेट ऑफ ₹65 पर मीटर। इसमें क्या फाइंड करना होगा आपको? इसमें फाइंड करना होगा कारपेट का लेंथ। और कारपेट का लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये जो फ्लोर है, एरिया इसका निकाल लेते हैं और इसके एरिया में कारपेट का ब्रेथ डिवाइड कर देते हैं तो लेंथ ऑफ कारपेट निकल जाएगा। सॉल्यूशन में आते हैं। लेंथ ऑफ कारपेट, इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर, और इसको डिवाइड कर देंगे ब्रेथ ऑफ द कारपेट। एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 13, ब्रेथ 9, 13 मीटर इंटू 9 मीटर, और इसका ब्रेथ दिया हुआ है, कारपेट का ब्रेथ 75 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदल देंगे तो 75 बाय 100 कर देंगे, ये भी मीटर में आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 25 3 25 4, तो ये हमारा आ जाता है 39 117, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे में ये 3 हो, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 3 3 3 9 और 9 3 27, ये भी कैंसिल हो गया, 9 4 36, 3 4 3 12 3 15, 156 मीटर का कारपेट होना चाहिए जो कि रूम को ढक लेगा। अब 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है ₹65 65, तो कॉस्ट निकाल लो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ कारपेट इज इक्वल टू उसका लेंथ 156 मल्टीप्लाई 65, ये हमारा रुपीज आ जाएगा, 156 मल्टीप्लाई 65, 10,140 इज इक्वल टू रुपीज 10,140, इतना रुपया आपको कारपेट बिछाने में खर्च होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आयुष जी आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।